बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? और आज का ब्लॉग जो है इवनिंग से शुरू हो रहा है भाई, शाम के 6 बज चुके हैं। इतना ज़्यादा लेट मैं आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह से मेरा मन नहीं हुआ, सुबह से मैं बस ऐसे ही लेटी हूँ, आराम ही कर रही हूँ। और बस इसीलिए तो बेटू कहने की चाची हमारी चोटी बना दो, तो बेटू की चोटी बना देते हैं और फिर देखेंगे कुछ काम। वैसे शाम के काम क्या होते हैं आप लोगों को बताइए, जो भी कुछ काम थे शाम के, बर्तन बर्तन जमाना वो मैं जमा चुकी हूँ। और जो फल आए थे उसको भी धो के रख दिया है, फ्रिज में लगा दिए हैं फल, तो वो भी रखे हुए हैं। अभी हम लगा देते हैं यहाँ पे अपना कैमरा और कर देते हैं बेटू की चोटी, ठीक है? कौन कहाँ है यार, तुमने देखा था बेटू कौन का इधर? तो अभी ऐसे ही करनी पड़ेगी हाथ से, है ना? हाथ से ही कर लेते हैं। आज बेटू सो गई थी, वैसे आज बेटू वैसे सोती नहीं है ना। वैसे बेटू को नींद ही नहीं आती, बेटू कहती चाची हमको नींद ही नहीं आती, हम सोते ही नहीं है। आज तो सो गई थी बेटू, बेटू सारा दिन दोपहर में चाची के पास, मुझे पता नहीं किससे बात कर रही हैं, अकेली अकेली खड़े होते हैं। इन कौन है? इन्हों अपने आप से ही कहने लगती है भूत है भूत है भूत है। हो गई, जाओ बिना कंघे से। अच्छी हो गई फिर भी। कौन है इनु? कौन है बाहर? कोई नहीं है? कोई नहीं है दोस्त तुम्हारा? सानिया आप ही आएगी ना, वो ठीक हो जाएगी। आपके साथ खेलना। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और यहाँ पे बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए कप नूडल्स हैं, तो बस इसमें गर्म पानी डालना पड़ता है, तो बस फटाक से ये बन जाती है। और बस अभी प्लेट्स में सर्व कर देती हूँ। और हाँ जी, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि मैं बात कर रही थी डॉक्टर के पास जाने की, तो हम लोग गए थे, तो बस वहाँ पे डॉक्टर ने जो है कि मुझसे सारी प्रॉब्लम्स पूछी, तो मैंने जो है अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बताई। लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी और डॉक्टर ने भी मुझे बड़ी मुश्किल से देखा, मतलब वैसे वो डॉक्टर्स जो है ना देख नहीं रहे हैं पेशेंट्स वगैरह को ज़्यादा। और तो बस उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछी थी, तो वह मैं बताती गई थी। फिर उसके बाद मैं उन्होंने कुछ टेस्ट के लिए बोला है, तो बस फिर हम लोग जब पैथोलॉजी पे गए थे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं किया अंदर जाने का, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग खांस रहे, कुछ लोग छींक रहे थे, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया। मैं वापस वहाँ से लौट आई और अब जो है मेरी ननद आ रही है, तो फिर उनसे मैंने बात की थी, तो अब जब वो आ जाएंगे तब हम लोग जाएंगे और देखते हैं फिर आगे अपडेट जो भी होगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वैसे उन्होंने बस टेस्ट वगैरह के लिए कहा था, तो वो तो मेरे नहीं हो पाए क्योंकि हम लोग वहाँ से लौट ही आए। और बस यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे बर्गर, ये आलू पैटी बर्गर बना रही हूँ, तो बस यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। यहाँ पे प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, उसके बाद मैं आलू मैश किए हुए इसमें डाल दूँगी और इसका अच्छे से एक जो मसाला है वो बना लूँगी। और इसमें ना और भी चीज़ें आप डाल सकते हो, मटर है आपके पास मटर डाल सकते हो, गाजर है गाजर डाल दो, और धनिया पत्ती मेरे पास में नहीं थी तो वो मैंने नहीं डाली है, लेकिन उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और बस यहाँ पे अभी सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो कल की कमेंट्स मैंने देखे, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे कुछ हेल्प भी मिली उनसे। और बस इसीलिए मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए मैंने सुबह से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं शुरू की थी, फिर मैंने शाम से ही की। और बस यहाँ पर देख लीजिए हमारे ये आलू का भरता एकदम तैयार है, और अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने पोहे को थोड़ा सा भिगो लिए हैं और उसमें ये आलू मैंने डाल दिए हैं, और अभी इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इससे ही जो हमारी आलू पैटी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है।
बनती है और क्रिस्पी भी बनती है। तो बस यहाँ पे अभी दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसका एक डो बना लेंगे चिकना सा। और आज पता है मुझे दो दो बार नहाना पड़ा, वैसे मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। उससे पहले मैं नहा ली थी सुबह ही सुबह, और फिर जब वहाँ से आई तो फिर से मुझे नहाना पड़ा, तो आज दो दो बार मेरा नहाना हो गया। चलो गर्मी भी है तो सही भी रहता है, दो टाइम अगर नहा लिया तो कोई बात नहीं, अच्छा भी लगा, ठंडा ठंडा पानी मिला नहाने के लिए, है ना। और कुछ लोगों के कॉमेंट्स भी आ रहे थे, उनके नाम लेने थे तो मैं नाम भी ले लूँगी। अभी आप लोग इसकी रेसिपी देख लीजिए। तो यहाँ पे अच्छे से हमें एक डो बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे हमारा ये आलू का अच्छे से एक चिकना सा डो बनके तैयार है। इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। यहाँ पे लिया है मैंने ये कॉर्नफ्लोर, मैदा, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है। इसकी हमें स्लरी बनानी है, ये हमें कोट करने के लिए चाहिए, तो इसमें मैं ब्लैक पेपर और वाइट सॉल्ट डाल देती हूँ। इसमें भी वाइट सॉल्ट डाला है, इसमें भी सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। और इस मैदे की हमें स्लरी बना लेनी है। तो यहाँ पे जो हमने आलू का जो डो बनाया था उसको हम कट कर लेते हैं। अभी ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसके ऐसे कट करने से क्या है ना, इसका जो पैटी है ना बहुत अच्छे शेप में बनती हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैंने इसका शेप दे दिया है, और यहाँ पे पहले मैं इसमें कॉर्नफ्लोर में इसको डस्ट करूँगी, उसके बाद में मैं यहाँ पे मैदे में इसको डिप करूँगी, मैदे की स्लरी मैंने बनाई हुई थी, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ये ब्रेड क्रम्स बनाए हुए हैं उसमें डिप करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना इनाया थी, तो इसलिए कैमरा आप लोगों को हिलते हुए दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इनाया यहाँ पे ही खेल रही थी किचन में ही। और बस यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को मैंने कर लिया है। अब हमारी आलू पट्टी तैयार है, अभी हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। और आप चाहें तो सेल्फ फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे ये तीन पैटी मैंने बना के तैयार कर ली हैं, और अभी मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। तो एकदम स्लो फ्लेम पे हमें जो है ना इसको डीप फ्राई कर लेना है, मीडियम स्लो कर लेना गैस को। और बस यहाँ पे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारी जो है ना ये आलू पट्टी बनके तैयार हुई थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, सच में बर्गर ऐसा लग रहा था जैसे कि हम मार्केट वाला बर्गर खा रहे हों। और यहाँ पे जो है ना सीपरी में मैंने बर्गर मंगाया, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, ऐसे ही बस ऐसे ही बना के दे देते हैं, ना उसमें चीज़ वगैरह डालते हैं ना कुछ, ऐसे ही बनाते हैं। और बस यहाँ पे ये घर वाला बर्गर जो है ना बहुत अच्छा बना है। वैसे तो कभी अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो उस वक्त में मैंने खाया भी नहीं है बर्गर, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाई हम लोग ने, तो इसलिए घर पे ही बना रहे हैं सारी चीज़ें। और हाँ, मुझे पता है कि अभी कमेंट्स आने वाले हैं कि आपने बर्गर, आसिफ आपी ने बर्गर बनाया था और अभी आप भी बना रही हो, तो उन्होंने बनाया था। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर एक दिन, सॉरी दो दिन में अगर डबल चीज़ें बन जाती हैं तो कोई बात नहीं है ना। तो उन्होंने बनाया था चिकन बर्गर और मैंने बनाया है आलू पैटी बर्गर, तो कोई बात नहीं, अगर दूसरे दिन कोई चीज़ बन गई है सेम चीज़ तो क्या हुआ, है ना। और बस यहाँ पे अभी मैं इसको थोड़ा सा लगा देती हूँ, ये मैं अपनी स्टाइल से बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे देखो मैंने ये चिल्ली सॉस रखा हुआ था वो मैंने ऊपर लगा दिया, और बस अभी मैंने प्याज और टमाटर भी कट करके रख लिए हैं, तो इसके ऊपर मैं रख दूँगी। पहले मैं रखूँगी आलू पैटी फ्राई की हुई, उसके बाद मैं रखूँगी यहाँ पे प्याज के दो स्लाइसेस। और कैमरा थोड़ा सा मैंने चेक नहीं किया था कि किधर साइड लगा हुआ है, तो आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे सही से। और यहाँ पे देख लीजिए हमारे बर्गर एकदम रेडी हैं। यहाँ पे टमाटर भी लगा दिया, प्याज भी लगा दिया, और चीज़ स्लाइस रखे थे तो वो भी लगा दिए हैं। तो इस तरह से हमारे बर्गर तैयार हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा अगर गर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो चीज़ हम थोड़ा सा मेल्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह से आलू पैटी बर्गर तैयार है, बहुत टेस्टी लग रहे थे, आप लोग भी ट्राई करना।
और प्लीज़ कमेंट मत करना कि आपको नहीं मिले थे बर्गर इसीलिए आपने खुद ने बनाया, तो हम सब ने ही बर्गर खाए थे। और बस यहाँ पे देख लीजिए हमारे आलू पेटी बर्गर का फाइनल लुक टमाटो केचप के साथ में सर्व कर लेंगे बस। तो जी हमारे आलू पैटी बर्गर तो बन चुके हैं। वैसे मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था, पता है मेरे साथ में क्या होता है कि जब मैं कोई और चीज़ बनाने जा रही होती हूँ ना, तो फिर मुझे कुछ और चीज़ याद आती है, तो फिर मैं वो बनाने लगती हूँ। मैं बनाने जा रही थी दावेली, ठीक है, और फिर मेरा सडनली प्लान चेंज हुआ कि नहीं मुझे दावेली नहीं बनानी है, मुझे बर्गर बनाने हैं, आलू पैटी वाले बर्गर। पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग मेरा चलता है, फिर मैंने वो दावेली छोड़ करके फिर मैंने बर्गर बनाए, आलू पेटी बर्गर। और मुझे पता है कि इसमें से भी बहुत सारे लोग कमेंट आने वाले हैं कि क्या आपको बर्गर नहीं मिले थे क्या, इसलिए तुमने भी बना ली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, घर में जो भी चीज़ बनती है हम सब लोग मिल बांट के ही खाते हैं बस, और कोई बात नहीं है ना। फिर से कमेंट नहीं आना चाहिए मेरे पास में कि शायद तुम्हें बर्गर नहीं मिला था इसलिए तुमने फिर से बर्गर बनाया। वो बनाया था चिकन बर्गर और ये बनाया मैंने आलू पैटी बर्गर, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। तो बस यहाँ पे दूध हमारा बॉईल हो रहा है, अभी मैं ये दूध ले जाती हूँ ऊपर, गरम कर दिया है मैंने। तो अभी मैं हूँ अपने रूम में और बस अभी तो 11:15 का टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कह रही हूँ, इतने टाइम तो सब लोग सो भी जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट ही सोते हैं, पता नहीं नींद नहीं आती, मुझे भी नींद नहीं आती है सच में इतनी जल्दी। तो यहाँ पर देखो ये ब्लैंकेट, दोपहर में मैं थोड़ा सा देर सो गई थी, मैं 15 मिनट सोई होंगी। मुझे ना ये चलाते हैं एसी और मुझे लगती है इतनी ज़्यादा सर्दी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है, फिर एकदम से गर्मी लगाती है, पता नहीं क्या होता है। तो मैं इनसे बोलती थी कि एसी कम कर दो, लेकिन वहाँ सोफ़े पे बैठते हैं ना जब हम यहाँ पे, तो सोफ़े पे बिल्कुल भी मतलब लगता ही नहीं है एसी चल रही, वहाँ पर गर्मी जैसी ही रहती है, तो इसलिए ये मतलब चलाते रहते हैं। मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे सर्दी लग रही है, मैं यहाँ पर बैठी हुई थी बेड पर, तो मैं इनसे बोल रही थी मुझे सर्दी लग रही है एसी बंद कर दो, लेकिन इन्होंने फिर बंद नहीं की, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगाई। तो फिर मैं इनसे बोलने लगी कि मत बंद करो, मैं यहाँ पर ब्लैंकेट लेके अपना जो मैं हमेशा लेती हूँ यही वाला ब्लैंकेट लेके मैं थोड़ा सा देर लेट गई थी और फिर मैं सो भी गई, और फिर जाके मैं उठी थी, फिर मैंने जो भी कुछ काम करने थे मुझे फिर वो मैंने किए थे। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से सर्दी लगती है और एकदम से गर्मी लगती है, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है एसी में कि, हालांकि हमारा एसी जो है ना बहुत कम पे चलता है, मतलब हमारा चलता है 24-25 या 26 पे चलता है, लेकिन फिर भी मुझे सर्दी लगती है और कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि पसीने छूट आते हैं। तो खैर ये तो रही रूम की बातें। अच्छा जी, आज मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी जो कि मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हैं, कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो गए हैं कि अभी आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे जो नाम लेने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में भी मैंने काफ़ी सारे नाम देखे तो वो भी बोल रहे हैं, तो चलिए कुछ नाम ले लेते हैं। तो अच्छा जी, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को तक अच्छे से नहीं पहुंचती है, बहुत ज़्यादा स्लो आवाज़ आती है, पता नहीं मैं इतना ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ फिर भी मतलब आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इंशाल्लाह मैं आगे से ख्याल रखूँगी कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक अच्छे से पहुँच सके, और मैं ज़ोर ज़ोर से वैसे तो मैं बोलती हूँ और भी अब ज़ोर से बोलूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कमेंट ले रही थी कुछ, सॉरी कमेंट नहीं, नाम ले रही थी। ये है तब्बू गौरी, इन्होंने अपना नाम लेने के लिए बोला है, और एक है ये इंडियन फूड सीक्रेट से, इनका नाम है शिफा, और आफरीन कुरेशी,
ये तो इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई हैं कि ये बोल रही हैं कि हमारा नाम ही मत लेना, तो मैंने इनका नाम लेकर भी इनका नाम नहीं लिया है, ठीक है। इतना ज़्यादा गुस्सा मत हुआ करिए, देखो हाँ हो जाता है कभी कभी, हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम नाम लेना भूल जाते हैं और आप लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। देखो यार आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो और फिर ऊपर से गुस्सा भी हो रहे हो, तो ये गलत बात है ना। कभी कभी इंसान जो है कुछ कुछ चीज़ों में इतना ज़्यादा घिर जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। पता है मेरा दिमाग अभी इस वक्त में जो है ना, मैं थोड़ा सा टेंशन ले रही हूँ, पता नहीं क्यों, कि कभी कुछ मतलब मेरे साथ में ऐसा हो जाता है, मैं सोचती कुछ और हूँ, मैं कर कुछ और जाती हूँ, सच में मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। और खैर छोड़िए, ये तो बात मेरी है, अभी ये बात आप लोगों के साथ में क्या शेयर करना। और हाँ एक और नाम था निदा सिद्दीकी, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला है, बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि अभी आप मेरा नाम लें, तो मैंने आपका भी नाम ले लिया है। निदा हाय, कैसी हो और आप लोग कहाँ कहाँ से हो वो भी मुझे कमेंट करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना। आप लोग तो हमें जानते ही हो कि हम कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक पल की जो वीडियो है हम लोग जो है ना आप लोग के साथ में शेयर करते हैं, है ना। खैर खबर आप लोग हमारी लेते रहते हो, लेकिन आप लोग भी तो अपनी खैर खबर दो मुझे कि आप लोग कैसे हो, क्या चल रहा है घर में, और लॉकडाउन वगैरह खुल गया है क्या आप लोगों के साइड, क्योंकि हमारे साइड तो खुल गया है, 3 4 दिन हो चुके हैं, 3 4 दिन, हाँ शायद 3 4 दिन हो चुके हैं, तो हमारे साइड तो लॉकडाउन खुल गया, आप लोगों के साइड खुला या नहीं। तो फिर चलिए, नाम भी मैंने आप लोगों के ले लिए हैं और मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अकेले कमरे में मैं ही बैठी हूँ, बच्चे क्यों नहीं आए, बच्चे अभी उनका मन है भाई, उनको जब आना होता है तब वो आते हैं, जब नहीं आना होता है तब वो नहीं आते हैं, जब अभी तो 11 बज रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि उनको भी नींद नहीं आती, हमारे साथ साथ में बच्चे भी ऐसे ही उधम मचाते रहते हैं, खेलते रहते हैं और हम लोग भी उनके साथ में इंजॉय करते रहते हैं।